भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर किए जा रहे आंदोलन के चलते आज करनाल के डेरा कार सेवा में बैठक आयोजन किया गया, जिसमें 8 मार्च को किसान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर किसान नेता भूपेंद्र सिंह लाडी ने बताया कि केंद्र की सरकार किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है उसके खिलाफ किसान दिन रात संघर्षरत है, परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसलिए सरकार को जगाने के लिए 8 मार्च को जिला करनाल सीएम सिटी से एक विशाल किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जो लोगों को जागरूक करते हुए एवं किसानों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली की ओर रवाना होगी। इस मौके पर किसान नेता रतन मान ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन जिला करनाल द्वारा आज डेरा कार सेवा की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि एक विशाल किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हर वर्ग शामिल होकर किसान को जगाने का काम करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 नए कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 3 महीने से संघर्षरत हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। करनाल में भी इसका भरपूर समर्थन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन जिला करनाल के नेता टोल प्लाजा घरोंडा में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज करनाल के डेरा कार सेवा कलंदरी गेट में सभी पदाधिकारियों द्वारा एक मीटिंग की गई है। हमने जो ये मीटिंग ली है, यहाँ पे हमारे एक पंचायत हुई है, पंचायत में ये डिसीजन निकाला है कि हम जो 8 मार्च को यहाँ से अपना वो निकाल रहे हैं, तो उसको हम सीधा अपना आंदोलन मजबूत करने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। हर जिले वाइज हम ये पंचायत लेके जाएंगे, लास्ट में हमारा अंत है यहाँ पे जो सीएम सिटी करनाल है, यहीं पे आकर इसका लास्ट करेंगे। लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो चलता रहेगा, हमारा जो धरना है कभी भी बंद नहीं होगा। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही लगे रहेंगे। हमारा संयुक्त मोर्चा किसी प्रकार की भी कोई हार नहीं मानने वाला है, और हम जब इतनी ठिठुरती सर्दी में हमारे किसानों के 250 किसानों का जो निधन हो चुका है वहाँ पे, जब हम वहाँ नहीं डरे तो अब गर्मी से क्या डरना, क्योंकि हम तो एक संघर्षशील है। हम किसानों को होती है आदत संघर्ष करने की, हर चीज़ में हमें अपना संघर्ष करना होता है। और हम जब ये खेती बाड़ी करते हैं या क्या घर के अंदर कमरे के अंदर होती है, ये भी धूप और सर्दी और पाले में होती है, ठीक है। तो हमारा डिसीजन ये है, जो हमने मार्च निकाला है इसको हम फाइनल करके छोड़ेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे चलता रहेगा, संयुक्त मोर्चा। हाँ जी, नहीं, हमारा पंचायत भी मार्च निकलेगा। हाईकमान के आदेश पे रखी है कि जो सरकार सोच रही है गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, सीजन का टाइम आ जाएगा, इन्होंने गेहूं काटना है, भूस बनाना है, पूरे 6 महीने साल का इंतजाम करना है किसानों ने, तो आंदोलन कमजोर पड़ेगा। इसी मुद्दे के ऊपर हमने आज डिस्ट्रिक्ट करनाल की मीटिंग रखी है। कल हमने उत्तरी हरियाणा की मीटिंग कपाल मोचन में रखी थी, वहां सभी 5-6 जिलों के सारे पदाधिकारी थे। आज हमने करनाल जिले की रखी है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि हम एक यात्रा निकालेंगे, जिसकी 8 तारीख को सीएम सिटी से ये यात्रा निकलेगी। यात्रा का नाम है किसान मजदूर न्याय यात्रा। तो इससे सभी जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, वो आंदोलन में साथ जुड़ेंगे और भारी संख्या में हम ट्रैक्टर कार लेके इस यात्रा में साथ चलेंगे और सरकार के कान और आंख खोलने का काम करेंगे। ये यात्रा सर कहां तक जो है होनी है, इसके बारे में सर? ये यात्रा करनाल जिले से सीएम सिटी से शुरू होकर पूरे हरियाणा के सभी जिलों में हेडक्वार्टर पे जाएगी, पूरे सभी जिलों के अंदर जो हेडक्वार्टर पे जाएगी, सभी जिलों के ऊपर जाएगी। यानी काफी दिन जो है इसके अंदर लगने वाले हैं। ये मार्च के महीने में जो यात्रा पूरी कर ली जाएगी, मार्च के महीने में यात्रा पूरी कर ली जाएगी। सभी कार्यकर्ताओं को ड्यूटी है, यात्रा करनाल की यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंचेगी, कुरुक्षेत्र की यात्रा यमुनानगर पहुंचेगी, यमुनानगर की यात्रा पंचकुला पहुंचेगी, पंचकुला से फिर अम्बाला। इस तरह का 2 चरणों में इस यात्रा का प्रोग्राम तय किया गया और इसके लिए पूरा किसानों में जोश है। और इस यात्रा में ट्रैक्टर शामिल रहेंगे और अन्य वाहन भी शामिल रहेंगे। और इसमें विशेष तौर पे जहाँ 3 काले कानून का विरोध का आंदोलन है, लेकिन महंगाई का भी इसमें पुरजोर से इस किसान मजदूर न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार का ये महंगाई का भी इशू उठाया जाए। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक